गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट यानी कि सीमा के जो प्रॉब्लम्स है एग्जांपल से आज स्टार्ट करते हैं। कल हमने इसकी परिभाषा और परिभाषा से रिलेटेड कुछ जो इसके यूज थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। डेफिनेशन ऑफ सिद्ध करेंगे कि लिमिटेड एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन वाला पर जीरो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से एफ एक्स की जगह आपके पास यहां पर पूरा फंक्शन एफ एक्स माइनस जीरो इट मीन्स एफ एक्स की जगह आपका पूरा ये फंक्शन x psi upon x minus g x psi upon x property जो कि mod of a यानी कि मापांक जो a पर मापांक b के पहले पता इसी प्रकार से क्योंकि we know that साइन थीटा जो कि हमेशा मॉड ऑफ में साइन थीटा कुछ भी यानी कि पर कोस वैल्यू हमेशा माइनस वन से प्लस वन के बीच में होती है, तो मॉड ऑफ साइन बार कोस या साइन थीटा लेस देन इक्वल वन, तो इसकी जगह हम इसका जो मान है वो हम पुट करें जीरो तो ये क्या होगा साइन की जगह हम यहाँ पर इसका बड़ा मान वन के रूप में पुट करते हैं, तो ये अल्टीमेट जो है एल एच हमारे पास सीधी प्राप्त होता है। इससे हम देखते हैं क्योंकि अब आपको क्या करना है, चेंज करना है, क्या चेंज करना है, मॉड ऑफ एक्स इस प्रकार की क्वांटिटी है कि उसकी वैल्यू यदि एप्सिलॉन और डेल्टा डेफिनेशन का प्रयोग करते हुए हमें इसको सिद्ध करना है, तो हमें अपने ऐसे स्विच न्यूनतम धनात्मक राशि का चयन करें। एफएक्स माइनस जीरो का मॉड लेफ्ट एप्सिलॉन ये क्वांटिटी पहले तो ये एप्सिलॉन से छोटी कब होगी बाय जब की जीरो इज लेस देन मॉड एक्स इज लेस देन एक्स। अब यदि डेल्टा का चेंज इस प्रकार करें, डेल्टा का चेंज इस प्रकार से करें नाउ चूज द डेल्टा सच दैट डेल्टा चेन आप इस प्रकार से करें कि डेल्टा जो है एप्सिलॉन से छोटा या बराबर हो, तो इस स्थिति में एक्स माइनस जीरो का मॉड लेस देन एप्सिलॉन जबकि डी इज लेस देन जो है डेल्टा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं डेल्टा और एप्सिलॉन ये कंडीशन है। Such type of way delta zero is less than delta is less than equal sign इसका ये चीज जो है मैथमेटिकल रूप कहते हैं, इसी को आप प्रतीकात्मक रूप में जब लिखते हैं तो इसका मतलब है कि x माइनस जीरो के रूप में ले सकते हैं इसको, प्लस के लिए जीरो का x जो है x sin of x is equal to this is l in the format of f x minus l का mod less than epsilon जबकि x minus a का mod less than delta, आप इसको प्रतीकात्मक रूप में यही तो लिखते हैं limit का extending to a पर f x जो है ये l को consider करता है, l को प्राप्त करता है, l को ग्रहण करता
प्रकार से ये आपका पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल उसकी परिभाषा पर आधारित है। अब आप इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पर आधारित है। लिमिट एक्सेलिंग टू ए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x माइनस a इस पर तो 2 a ये आपका क्वेश्चन दिया गया। अब आपके पास f x माइनस l की जगह 2 a का मॉड f x के लिए आप वैल्यू पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x माइनस a माइनस 2 a x माइनस a से x माइनस a ऊपर x प्लस a बचेगा तो इसका x माइनस a इस पे x नॉट इक्वल b जबकि ये भी आप इस प्रकार से डेल्टा का चयन करें t दिस विल बी द लेस देन y इस प्रकार से क्वांटिटी का t यदि ये क्वांटिटी आपस में बराबर है ये क्वांटिटी यदि एप्सिलॉन से छोटी है तो दिस विल बी आल्सो द लेस देन एप्सिलॉन एंड now we have to choose the value of delta. Delta का इस प्रकार से चेंज करें x minus a इस प्रकार से चेंज करें कि नहीं delta is less than equal epsilon less than equal epsilon and now x minus इसके बाद x minus 2a less than epsilon जबकि x minus a is less than delta. So the value is well in the format of the प्रतीकात्मक जो रूप है वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैथमेटिकल रूप है एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स माइनस ए टू इसको आप ये भी लिख सकते हैं इसका प्रतीकात्मक रूप है ये इसका मैथमेटिकल रूप है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का एग्जांपल नंबर 3 show that x tending to a but sine x minus a जो है इसमें लिखेंगे it does not exist इसका सीमा का अस्तित्व नहीं limits जो है अस्तित्व नहीं है। तो पहले इसके लिए हम RHL और RSL के लिए RHL RHS के लिए उसकी RHS right hand side की सीमा या limits क्या करते हैं limits x and we both expect it as tending to a plus sine 1 upon x minus a. Now we have to substitute x tending to 0 sine a plus x minus a into a cancel. We have a sine 1 upon x tending to 0. देखिए, limit x tending to 0 पर sine 1 upon x जो प्राप्त होता है जैसे जैसे एच जीरो की ओर अग्रसर होता है एच जैसे जीरो की ओर अग्रसर होता है उस स्थिति में इसकी जो वैल्यू है ये एक्चुअल में क्या होता है एक्चुअली इसकी जो वैल्यू है लेकिन एच से जीरो साइन इंफिनिटी की बट वी नो दैट साइन इंफिनिटी इज नॉट ए पर्टिकुलर थीटा सो दिस इज लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ये माइनस से सॉरी माइनस 1 टू प्लस वन के बीच में जो ऑसिलेट करेगा तो नहीं करेगा दिस वैल्यू इज डज नॉट एग्जिस्ट माइनस वन से प्लस वन के मध्य अनेक बार दोलन करेगा ऑसिलेट करेगा ये किसी भी एक यूनिक वैल्यू को दिस डज नॉट यानी कि आई नहीं कर सकते इट इज नॉट कंसिडर यूनिक value unique and finite value unique and finite value को ग्रहण नहीं करता है जब ये unique और finite value को ग्रहण नहीं कर सकता है अद्वितीय मान को प्राप्त नहीं करता है तो ये कह सकते हैं कि ये किसी particular limit को consider नहीं कर पाने के कारण ये जो है अस्तित्व नहीं होगा। इसी प्रकार से हम LHL में क्या करें
एल एच एल लेते हैं जब इसके लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो सिक्स माइनस ए माइनस सी जो है जीरो के रूप में लेते हैं या ए माइनस एच के रूप में लेते हैं वन अपॉन ए माइनस एच माइनस ए के रूप में जबकि जो है एक्स माइनस एक्स सेंडिंग टू ए माइनस एच एक्स को ए माइनस एच से रिप्लेस कर दिया कैंसिल हो गया यहाँ पर आप लिमिट एक्स को जो है जीरो की ओर से करेंगे इस स्थिति में जो है माइनस वन अपॉन एच के रूप में होता है तो ये भी क्या है कि जो इसकी जो सीमा प्राप्त होती है दिस इज आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट ये भी किसी पर्टिकुलर परिमित मान को या अधिक के वैल्यू को ग्रहण नहीं करता है अतः अस्तित्व नहीं है तो इसी प्रकार से आप आगे के एग्जाम्पल कोशिश करें और किसी भी प्रकार की दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें आज के लिए थैंक यू।